फ्रेट और पैसेंजर कॉरिडोर की तरह काम करेगा। अगर आप रेलवे लाइन में देखें, आप ये पूरा का पूरा जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में बेसिकली मतलब आप पैसेंजर हो और फ्रेट हो, दोनों के दोनों को इसमें प्रायोरिटी रहेगी। और इसकी कैपेसिटी इतनी बना रहे हैं 160 KMPH स्पीड के कारण, और डिफरेंट जो पार्ट्स है उसमें डबलिंग करके। और मुझे लगता है कि इसमें इस ये प्रोजेक्ट में इतना आगे कार्गो आने वाला है और इतना आगे पैसेंजर ट्रैफिक आने वाला है कि बनने के कुछ ही वर्षों के बाद में इसमें और कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर हो या सेपरेट पैसेंजर कॉरिडोर हो, ये विषय नहीं है। विषय ये होता है कि हम कितना एफिशिएंटली इसका ऑपरेशन करें। अगर ऑपरेशन एफिशिएंट हो तो बहुत आसानी से दोनों की दोनों चीजों को अकोमोडेट किया जा सकता है।